चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को भारत आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलेंगे। इमरान उनसे मिलने चीन पहुंच गए हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन आपस में तीनों के रिश्ते एक जैसे नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी न किसी मुद्दे पर टेंशन चलती रहती है, जैसे अभी भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर है, क्योंकि भारत सरकार ने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया है। चीन और पाकिस्तान के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन चीन की भारत से इतनी नहीं बनती है। चीन भारत से ज्यादा हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जैसे अभी कश्मीर के इशू पर चीन भारत के बजाय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? चीन पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करता है? दरअसल चीन ऐसा करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि साउथ एशिया में भारत और चीन दोनों तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक तरह से दोनों के बीच होड़ है और सुपर पावर अमेरिका का सपोर्ट भी भारत को मिलता रहा है, जबकि अमेरिका और चीन के बीच तकरार वक्त वक्त पर सामने आती है, जैसे अभी दोनों ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं। इसके साथ ही चीन और भारत के बीच सीमाओं को लेकर भी विवाद है, जैसे लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन अपना दावा करता है। इसी तरह से भारत का पाकिस्तान के साथ भी सीमा को लेकर विवाद चलता है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के साथ आकर भारत को दोगुनी चुनौती देना चाहता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने हमेशा पाकिस्तान में रह रहे जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वीटो पावर का इस्तेमाल करके वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाया था, जिससे भारत को कूटनीतिक स्तर पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन चीन कब तक मसूद अजहर को बचाता? इस बार मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। चीन ने 6 महीने की तकनीकी रोक जरूर लगाई थी, लेकिन आखिरकार उसके बाद मसूद अजहर वैश्विक आतंकी घोषित हो गए। ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि चीन इस बार मसूद को बचाकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि पुलवामा हमले की घटना के बाद मसूद अजहर ने दावा किया था कि उनके संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव भी लेकर आए थे। ऐसे में चीन इसका विरोध करता तो ऐसा मैसेज जाता कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान एक साल में तीसरी बार चीन जा रहे हैं, लेकिन भारत प्रशासित कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इमरान की ये पहली चीन यात्रा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान इस यात्रा के दौरान चीनी नेतृत्व से कश्मीर के मुद्दे पर जरूर बात करेंगे और उन्हें एक बार फिर साथ लेने की कोशिश करेंगे। चीन पहले भी पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत सरकार के 370 हटाने के फैसले पर ऑब्जेक्शन ले चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन अब कश्मीर के मसले से फोकस हटाना चाहता है, क्योंकि चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि शी की भारत यात्रा के दौरान चीन कश्मीर मुद्दे को उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है। 17 सितंबर को पत्रकारों से बात करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें लगता है कि कश्मीर के मसले पर भारत से कोई खास बातचीत नहीं होगी। चीन पाकिस्तान में काफी इन्वेस्ट यानी निवेश भी करता है, इसके अलावा वो उसकी आर्थिक मदद भी करता है। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर अभी बहुत बुरे हाल में गुजर रहा है। पाकिस्तान ने चीन से कई बार पैसे भी उधार लिए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान इस कर्ज के जाल में फंस चुका है। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था कि पाकिस्तान ने IMF से जितना पैसा लिया है उसे दोगुना पैसा चीन से ले चुका है, यानी अगले 3 साल में पाकिस्तान के सर पर चीन की $6.7 बिलियन की देनदारी होगी। चीन और पाकिस्तान के बीच एक आर्थिक गलियारा भी बन रहा है। ये गलियारा 2015 से बन रहा है। इसकी मदद से साउथ और सेंट्रल एशिया के कई देशों को व्यापार के लिए आपस में जोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग $46 अरब है, लेकिन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक हालत की वजह से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम कई वजहों से लटक गया है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने आर्थिक मदद के लिए अमेरिका और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी कांटेक्ट किया था, हालांकि पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री ने काम रुकने की खबरों को अब खारिज कर दिया है। तो सवाल फिर से वही उठ रहा है कि चीन आखिर पाकिस्तान का कब तक साथ देगा और कब तक उसे इन स्थितियों से निकालने की कोशिश करेगा।
प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी इस चीन विजिट में निवेशकों को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए वो चीनी कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन और भारत के बीच खालिस झगड़ा ही है, दोनों के बीच अरबों का ट्रेड भी होता है। भारत और चीन कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में भारत और चीन के बीच दो तरफा कारोबार करीब 96 अरब डॉलर रहा। चीन हमेशा से भारत के बाजार में दिलचस्पी रखता है और इसमें अपनी पहुंच भी बढ़ाना चाहता है। जून में चीन के लिए भारत के राजदूत ने कहा था कि इस साल भारत और चीन के बीच दो तरफा कारोबार 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का होगा। और शी के शुक्रवार से होने वाले दौरे से पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट भी किया है कि इस दौरे में चीन के राष्ट्रपति का जोर आर्थिक मुद्दों पर होगा।